वेलकम टू SST की पाठशाला। आज हम लोग यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले हैं। हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैनल के एक छोटी सी अचीवमेंट्स के बारे में कि इस चैनल को ओपन किए हुए बहुत दिन नहीं हुआ और इस कम टाइम में हम लोग ने एक छोटी सी अचीवमेंट एक गेन किया है कि 27 दिसंबर को आपका BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो हमारे वीडियो के एक्सप्लेनेशन से डायरेक्ट BPSC के बहुत सारे क्वेश्चन टैली कर रहे हैं, तो वो एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम लोग देखेंगे कि BPSC का कौन सा क्वेश्चन था और कौन से वीडियो के साथ टैली कर रहा था। जबकि हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक पे अभी वीडियो बनाया ही नहीं है, लेकिन जितने टॉपिक पे बनाए उतने टॉपिक से लगभग 8-10 क्वेश्चन टैली कर रहे हैं। तो अगर आगे हम लोग को ऐसे ही सपोर्ट आप लोग का मिलता रहा तो ऐसा एक कोशिश होगा कि SST से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो उसका सारा सॉल्यूशन हम लोग इस चैनल पे कर ले या अपने ऐप पे कर ले। ठीक है, देखते हैं। इधर देखिए, ये आपका BPSC का पेपर है जो 27 दिसंबर को हुआ था, 66 प्रीलिम्स है एग्जाम, और इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे वीडियो के डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से लिंक है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताया गया उस वीडियो में। बहुत सारे जो वीडियो मैंने अलग अलग टॉपिक पे बना रखा है, जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनल पार्क, तो उसका एक्सप्लेनेशन उस टॉपिक को मैंने वेल डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। और वही सेम क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो देख करके जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन कीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड छूट पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस वीडियो में देखिएगा क्वेश्चन के बारे में और उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वहां से एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, कहां के लिए? गुजरात के और टाउन जिसका नाम डांडी था, वहां के लिए। डांडी एक कोस्टल टाउन है, समुद्र के किनारे, अरबियन सी के किनारे है, और मैप में डांडी को लोकेट करने के लिए भी आता है, जो कि मैप का एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है और उसमें आपको डांडी मैंने लोकेट करके दिखाया। सो गांधी जी अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से चलते हैं, कहां के लिए? डांडी के लिए। डांडी क्या है? तो एक कोस्टल टाउन है, कहां? गुजरात का। और डांडी और साबरमती आश्रम के बीच की डिस्टेंस जो थी वो 240 माइल्स थी, और पर डे वो 10 माइल्स चलते थे, उसके बाद स्टे करते थे। 24 डेज बाद वो साबरमती आश्रम से कहां पहुंच जाते हैं? डांडी। और डांडी जाकर के वो सॉल्ट को क्या करते हैं? बनाते हैं, और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं कि नहीं, सॉल्ट जैसी चीजों पर हम टैक्स नहीं देंगे। एक कॉमन चीज है, ये हर कोई यूज करता है इस चीज को। अंडर जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सोलमाइज्ड द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। लाहौर कांग्रेस, लाहौर में एक सेशन होता है कांग्रेस का, हेड रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, और उसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है कांग्रेस के द्वारा। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930। अब एक क्वेश्चन आएगा कि पूर्ण स्वराज को कब डिक्लेयर किया गया, कब इसको बताया गया कि हाँ पूर्ण स्वराज मुझे चाहिए, तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया। कुछ कॉमन डिमांड भी उनके माइंड में चल रहा था। सिया दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी इन 1925। बहुत सारे बुक में 1923 भी दिया गया है, ठीक है, बट आप 1925 से लिखिएगा। प्रगति सिया दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी इन 1925। ठीक है, आप स्लैश कर लीजिए। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाया? 1925 में। स्वराज पार्टी का मेन व्यू क्या था? स्वराज पार्टी का मेन व्यू था कि ये लोग चाहते थे कि हम लोग आउटसाइड से नॉन वायलेंस के थ्रू किसी भी ब्रिटिश प्रपोजल को अपोज नहीं कर सकते हैं, तो इनका मेन टारगेट था कि ये पार्टिसिपेट करें काउंसिल इलेक्शन में, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, और रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद वहीं पे वो ब्रिटिश प्रपोजल को स्टेट करने वाले। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, तो नंबर ऑफ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में और अंडमान एंड निकोबार दोनों में 9 नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में भी 9 नेशनल पार्क है और अंडमान एंड निकोबार में भी 9 नेशनल पार्क है। और जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, ये निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। और सबसे बड़ा हेमिस जो कि लद्दाख, अभी लद्दाख आपका यूटी बन चुका है, यूनियन टेरिटरीज बन। मतलब छोटी रिवर जो आकर के बड़े रिवर को ज्वाइन करते हैं, तो है आपकी यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी,
दामोदर, महानंदा जैसी कुछ बड़ी ट्रिब्यूटरीज है सोन। इसमें से कुछ रिवर जो है, मैक्सिमम रिवर जो है वो नॉर्थ से आकर के गंगा को ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ रिवर जो है गंगा को साउथ से आकर के ज्वाइन करते हैं, जैसे कि यमुना और सोन, दो बड़ी रिवर। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है यमुना, इंडिया की फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर है यमुना। तो ये कहां से साउथ से ज्वाइन करती है, और सोन भी आकर के साउथ से गंगा को ज्वाइन करती है। तो इसके ट्रिब्यूटरीज भी आप लिख लीजिएगा, किस स्टेट से कितना फ्लो करते हैं, ऑरिजिनेशन के टाइम में नाम क्या रहता है, जब मिलती है तब नाम क्या होता है, इसके साथ साथ और भी क्या स्पेशलिटी है। सो एक प्रॉपर हैबिटेशन गंगा प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इसको लाइफलाइन ऑफ इंडिया कहते हैं। लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड कर दिया बंगाल को, ठीक है, क्योंकि बंगाल उस टाइम सबसे बड़ा सेंटर था नेशनलिज्म के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, या किसी भी तरह के आप बोल सकते हो रिफॉर्म के लिए। वहां के लोगों के बीच में यूनिटी डेवलप हो रही थी, उस यूनिटी को ब्रेक किया लॉर्ड कर्जन ने, और उसने बंगाल को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ठीक है, क्योंकि वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनाइट होकर के स्ट्रगल कर रहे थे। जब आप क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने बंगाल जैसे बड़े प्रोविंसेस को डिवाइड किया, क्वेश्चन आपसे होगा, सो अंग्रेजों ने उस चीज को बोला कि नहीं, बहुत बड़ा प्रोविंस है, इस पे एडमिनिस्ट्रेट करना इतना आसान नहीं, सो उसने डिवाइड कर दिया। ये वो टाइमिंग है 1905-1906, जिस टाइम कांग्रेस पे मॉडर्निस्ट लोगों का दबदबा था। मॉडर्निस्ट मतलब जो काइंड हार्टेड, नॉन वायलेंस को फॉलो करने वाले, जो ब्लड रिवोल्यूशन नहीं चाहते थे, कोई मास एग्रेशन नहीं शो करते थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों का प्रभाव था उस टाइम तक। तो ऐसा कोई मास स्ट्रगल नहीं हुआ पूरे इंडिया में, उन्हें डिमांड करते थे। लोग फोकस करने वाले महात्मा गांधी के कुछ बड़े मूवमेंट्स के बारे में, जो कि मैप वर्क में भी पूछता है, वन मार्क क्वेश्चन में भी पूछता है। पीजेंट मूवमेंट इन चंपारण बिहार इन 1916, चंपारण सत्याग्रह 1916, सुनने के साथ ही लगेगा कि सब कहीं कहीं हम लोगों ने 1917 पढ़ा है, आप 16 बता रहे हैं। तो दिसंबर 1916 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बहुत जगह पे कब कहां मेंशन रहता है, 1917 भी मेंशन रहता। चंपारण सत्याग्रह कहां है, चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। इंडिगो प्लांटर्स के लिए यहां पर महात्मा गांधी ने मूवमेंट किया था, इनके लिए, इंडिगो प्लांटर्स के लिए। उनसे एक तो उनका फूड ग्रेन जो था आपका राइस और व्हीट नहीं लगाने दिया जाता था, इंडिगो लगाने के लिए प्रेशराइज करते थे ब्रिटिशर्स, सो उनके लिए, और ऊपर से इंडिगो का जो प्राइस था काफी कम था, एक तो प्रेशराइज करके इंडिगो लगवाते थे और कम प्राइस में उस इंडिगो को परचेज कर लेते थे। आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा क्वेश्चंस और उसके साथ एक्सप्लेनेशन, तो किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा, और ये हमारे चैनल के लिए एक छोटी सी लेकिन एक अचीवमेंट है जो हम लोग को एक पॉजिटिविटी देगी। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड के साथ साथ एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पोर्शन है उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। इस वीडियो से तो क्लियर हो गया कि बीपीएससी जो कि वन ऑफ द हार्ड एग्जाम है, मतलब बिहार का, और हम कॉम्पिटिटिव व्यू से देखेंगे तो बिहार का सबसे हार्ड एग्जाम है, तो उसका क्वेश्चन अगर डायरेक्ट वीडियो से टैली कर रहा है तो ये छोटी मोटी अचीवमेंट हम लोग के लिए नहीं हुई। और आगे अभी बहुत सारा टाइम है जिसमें बहुत सारा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए, इस तरह से एसएसटी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंट टॉपिक पे क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्विज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि ऐप में अलग अलग तरह से क्विज क्वेश्चन ये सब आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।